नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो आज विशेष तौर पर यहाँ पर शामिल हुए हैं और हम लोग हमारे जो न्यावतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत ही पुराने एक्सक्लूटिव बॉडी मेंबर हैं श्री विजय बर्मन जी, उनकी होनहार सुपुत्री पूजा बर्मन जी CA पास की हैं, जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और हमें बेहद खुशी है। हम लोग इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, एक छोटा सा क्वालिफिकेशन सेरेमनी आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। और सबसे पहले मैं अपने बहुत ही प्यारे और हमारे मेंबर श्री सुभाष दुकानिया जी, जो कि चीफ एडवाइज़र है न्यावतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अशोक सिंह जी को आग्रह करूँगा कि वो अपने कर कमलों द्वारा हमारी बहुत ही होनहार बच्ची पूजा बर्मन जी को सम्मानित करें। स्कूलिंग AGTL सोनपुर से किया है, देन आफ्टर क्लास 12 मैं कलकत्ता गई थी ग्रेजुएशन के लिए और साथ ही CA एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा क्लियर होते क्या फिर फाइनल में मेरा अभी क्लियर हुआ है, मैं फाइनली CA बनी। CA बनने के बाद मुझे ये पता चला है कि पेशेंस, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, होप कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे जितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, मतलब कभी ना कभी तो वो निकलेगा ही, बस पेशेंस करो, हार्डवर्क रखो, बस सब निकल जाएगा। और इसमें मेरे पापा का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता था पापा सिर्फ बोलते थे ठीक है तुम कोशिश कर रही है, उतना ही बहुत कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा का हिम्मत था, मम्मी का प्रेयर्स था, पूरा फैमिली का ब्लेसिंग्स था, बस इसी वजह से मैं आज CA बन पाई हूँ। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मैं अभी जॉब का मैं अप्लाई करूँगी। बर्मन जी को सम्मानित किया है, वहाँ पर एक हमारी और बच्ची है जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री बाजुल बर्मन जी की होनहार लड़की है अंकिता बर्मन, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे CA का एग्ज़ाम देकर पास कर रहे हैं। ये अमूमन कहा जाता है कि CA का जो एग्ज़ाम है वो सबसे टफ एग्ज़ाम है और धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और धैर्य पर काबू रखकर अपने सारे मनोकामना को छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है, जो इन बच्चों ने किया है और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। और इसी तरह हम लोग कामना करेंगे, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, ये चैम्बर को भी सेवा प्रदान करेंगे, ये हमें कामना हमारे तरफ से की जाती है। अब हम लोग अंकिता बर्मन जी को सम्मानित करेंगे। मैं श्री विजय बर्मन जी, श्री चतेश्वर चौधरी जी और श्री रंजीत सिंह जी से कि वो अपने कर कमलों द्वारा अंकिता बर्मन जी को सम्मानित करें। मेरा नाम अंकिता बर्मन है, मैंने अपना स्कूलिंग AGTL से कंप्लीट किया है, उसके बाद अभी ग्रेजुएशन BB कॉलेज से कर रही हूँ, पर साथ में CA भी कर रही हूँ। अभी बस मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकला है, फिर आगे और मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ताकि एक दिन CA बनूँ और प्राउड फील कराऊँ अपने पेरेंट्स को और अपनी ड्रीम्स को पूरा करूँ। जो युवा इस क्षेत्र में, मतलब CA क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? यही कि हार्ड वर्क करते रहो, बहुत वर्स्ट सिचुएशन आएगा, ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगा जब आप बोलोगे अंदर से कि आपसे नहीं हो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, तब उस सिचुएशन में आपको अपने आप अंदर में आपको हौसला रखना है कि नहीं करना तो है ही, कुछ भी हो जाए करना है और कर सकते, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो जाए कर सकते हैं। इसमें आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग ही मेरे को बहुत हमेशा सपोर्ट किए, जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तब भी मेरे को हौसला रखे कि नहीं कोई बात नहीं आगे हो जाएगा, कभी ना कभी तो ज़रूर हो जाएगा, इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ पाई हूँ और आज क्लियर कर लिया मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम।